बर्डवॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। मध्य प्रदेश का दमोह जिला आज भी विकास के नाम पर रोता नजर आ रहा है। आज भी ऐसे कई ग्राम हैं जहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं जवेरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले हिनौती ठेंगा पट्टी के ग्राम बमुरिया की, जहाँ 2 किलोमीटर का सफर लोगों को 2 घंटे में बारिश के मौसम में तय करना पड़ता है। और ग्राम पंचायत व गांव वालों की माने तो इस गांव में एक डॉक्टर भी इलाज के लिए नहीं है। अगर किसी मरीज को कोई परेशानी होती है तो या तो उसकी मौत हो जाती है या उसे समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। वहीं बच्चे जब बरसात में स्कूल जाते हैं तो उन्हें बरसाती जानवरों का सामना भी करना पड़ता है, जो कि काफ़ी जहरीले होते हैं। ऐसा ही एक वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, जो बच्चे स्कूल जाते समय जब हमारा संवाददाता वहां पहुंचा तो उसके कैमरे में कैद हो गया। पीछे चलने वाले बच्चों ने आगे बच्चों को आवाज़ दिया कि आपके पैर के पास बिच्छू है, समय रहते अगर बच्चे नहीं देखते तो शायद इस जहरीले जानवर का कोई ना कोई शिकार हो जाता। वहीं देखने वाली बात यह है कि इन बच्चों के पैर में चप्पल भी नसीब नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में कैसे इस देश का विकास होगा व कब तक इन ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। नई नई सरकारें केवल दावे, वोट मांगने के नाम पर दावे करती हैं और वोट के बाद भूल जाती हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। रुक जा रुक जा, कोई बीच में नहीं आई। ए बेटा पास में नहीं आ, दूर उतारो उतारो। अरे गुरु गुरु यार गुरु तुमसे ही आ जाओ ने। कहाँ जाते हो पढ़ने? साका हाई। सड़क नहीं है यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे सरपंच लोगों से आपने बोला नहीं? बोला है, हमारी बात टाल देते हैं। यूनिफॉर्म कहाँ गई आपकी? जाते हैं सो गिर जाते हैं सो खड़ा गई। अच्छा, कौन सा गांव है जी? मोरी के। पंचायत कौन सी है? हिनौती। हिनौती पंचायत। कहाँ जा रहे हो? विवेकानंद स्कूल। कहाँ के रहने वाले हो? बमुरिया। बमुरिया की। कौन से विद्यालय पढ़ते हो? विवेकानंद हाई स्कूल। यूनिफॉर्म कहाँ गई आपकी? कल गिर पड़े थे तो वो गीली हो गई। अच्छा, तो कहाँ से जाते हो, किस रास्ते से जाते हो? इसी रास्ते से जाते हैं तो गिर जाते हैं तो यूनिफॉर्म गीली हो जाती है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं? नाम है कुंडल सिंह। क्या समस्या बताएं? सर मेरे यहाँ रोड हो ही नहीं रहा 10-5 साल से, कोई सुना नहीं हो रहा और नेता लोग आते हैं देख देख के भग जाते हैं। तो आपके गांव में बच्चे लोग वगैरह पढ़ने वगैरह कैसे जाते हैं? पढ़ने जाते हैं ऐसी खबना में सर, पानी बरसता है तो लौट जाते हैं कहीं कहीं से। कहाँ जा रहे हैं? दवाई कराने। क्या नाम है? लल्लू प्रसाद महोदय। क्या हो गया? इसको सर्दी जुकाम है। अच्छा, कौन से गांव के हैं? बमुरिया। यहाँ पे सड़कें वगैरह बनी नहीं? नहीं सर। बताएं क्या समस्या? कहाँ के रहने वाले? बमुरिया। तो आवागमन का साधन ठीक है आपके यहाँ? हमारे कहाँ कोई साधन नहीं है साहब, और जो बाल बच्चे हैं हमारे वहाँ से मतलब इतने खजना से आते हैं और जिन्ना बरसात भर तो आ ही नहीं पाते हैं। तो फिर बच्चे पढ़ने के लिए तो फिर जाते नहीं? परेशानी है,
जब वर्षा सट जाती है इसके बाद में आते हैं सरकार से, सरपंच से, हर चीज़ सरपंच भी ठीक कह रहा है। आखिर के कोई ने जनता पार्टी चल रही, ने कांग्रेस पार्टी चल रही, कोई नहीं चल रहा है। कौन सा गांव? ग्राम बमरिया। क्या हो? उप सरपंच ग्राम पंचायत। आपके ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सड़क अभी तक बनी नहीं है और उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और उन्होंने बताया है कि सरपंच से भी विगत कई बार आपको सूचना दी गई है इस बारे में। हाँ, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पूरी पंचायत के, उन्होंने हम लोगों के सामने समस्या रखी है और है समस्या इस रोड पर, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए कम से कम 10 बार आवेदन कर चुके हैं ऊपर उच्च अधिकारियों के लिए, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है सरकार, शासन प्रशासन। लोग क्या कर सकते, ना हम लोगों के बस में, हम लोग काम कर रहे हैं और आगे कार्यवाही करते रहेंगे।